हेलो गाइस, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। तो गाइस, आज के ब्लॉग में हम लोग जाने वाले हैं बिरला म्यूजियम जाएंगे और तारामंडल भी जाएंगे, और आज के वीडियो में बहुत मजा आने वाला है और काफी चीज देखने के लिए मिलेगा हमको भी आपको भी। तो गाइस, वीडियो में बने रहिए एंड तक। तो गाइस, फाइनली हम लोग तारामंडल आ गए हैं और ये देख सकते हैं, ये जो गोल वाला है यही तारामंडल है, और अभी हम लोग इसके अंदर में जाएंगे और क्या होता है आपको दिखाएंगे। तो गाइस, फाइनली हम लोग तारामंडल के अंदर में आ गए हैं और अंदर का व्यू कुछ देख सकते हैं ऐसा है, अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा, सब सर का ऊपर में जा रहा है। और अभी अनाउंस हुआ है कि फ़ोन रिकॉर्डिंग करना अलाउ नहीं है, अगर रिकॉर्डिंग करते हुए कोई पकड़ा जाएगा तो उसका फ़ोन जमा हो जाएगा। सेम स्कूल वाला फीलिंग आ रहा है। लगभग 4000 साल पहले निर्मित स्टोन। तो गाइस, तारामंडल वाला शो हम लोग देख लिए हैं और सही बताऊं तो मेरा सर के ऊपर में जा रहा था और मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन जो स्टडी वगैरह करते हैं बच्चे लोग उनको उनके लिए ठीक है। और रिकॉर्डिंग इसलिए नहीं कर पाए कि मतलब पूरा गोल था और छिप के रिकॉर्डिंग भी ज़्यादा सही नहीं हुआ, तो इसीलिए रिकॉर्डिंग नहीं किया, बस थोड़ा सा ही आपको दिखाएं। और बाहर निकलने के बाद ये चीज़ मिल रहा था तो वो भाई मेरे साथ में जो आया हुआ है उसको खाना था, तो अभी हम लोग थोड़ा इसको ले लेते हैं, फिर इसके बाद हम लोग डायरेक्ट बिरला म्यूजियम जाएंगे। तो गाइस, वीडियो में बने रहिए। तो गाइस, फाइनली हम लोग बिरला म्यूजियम आ गए हैं और यहाँ पे देख सकते हैं ये इसका मेन गेट है और यहाँ पर भी काफ़ी लाइन है, लेकिन तारामंडल के अकॉर्डिंग में काफ़ी कम लाइन है। तो गाइस, अंदर में चलते हैं, आपको दिखाते हैं अंदर में क्या। तो गाइस, अंदर आने के बाद दुनिया का सबसे बड़ा नल देखने को मिला और इसका कनेक्शन पता नहीं कहाँ से है। तो गाइस, अभी हम लोग पॉपुलर साइंस के अंदर में जाएंगे और देखेंगे इसके अंदर में क्या है। तो गाइस, देख सकते हैं ये काफ़ी यूनिक चीज़ है और इसको रनिंग करेंगे और रनिंग करने के बाद इसको रोकेंगे, रोकने के बाद भी देखिएगा जी अंदर का इसका वाटर चालू रहेगा। तो गाइस, अभी हम लोग गेम वाला जोन में आ गए हैं, मतलब कि यहाँ पर बच्चे लोग के खेलने के लिए सिर्फ गेम ही गेम है।
तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे स्टूडियो मॉनिटर है और पुराने ज़माने में कैसे इसको कंट्रोल किया जाता है ये दिखाया गया है। और गाइस कभी आपने सुना होगा कि कोई बोलता है कि बेटा मार के तेरा खोपड़ी खोल देंगे, मार के तेरा दिमाग हिला देंगे। तो गाइस अभी हम लोग रियलिटी में जाके किसी का खोपड़ी खोलने वाले हैं, तो गाइस वीडियो में बने रहिए एंड तक। तो गाइस जैसे कि मैंने आपको बोला था किसी का खोपड़ी खोलेंगे, तो गाइस देख सकते हैं ये खोपड़ी खुल चुका है और इसके अंदर का सिस्टम कुछ ऐसा है और अभी इसका अंदर का भी सिस्टम देख सकते हैं ऐसा है। तो यही है इंसान के अंदर का यही सिस्टम। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं मैग्नेटिक एनर्जी, देख सकते हैं ये कितना कमाल का है। देख सकते हैं यहाँ पर दिखाया गया है कि सबसे पहले ये टीवी था, उसके बाद ये वाला टीवी आया और उसके बाद ये डिस्प्ले वाला टीवी आया। तो गाइस यहाँ पे ये टीवी के बारे में, तो गाइस ये वर्चुअल रियलिटी गेम है और ये खेलने में काफ़ी मज़ा आता है। अभी हमने ट्राई किया है इसको, इसको कुछ नहीं सिर्फ आई में कवर करके और रखने का, बस जो स्क्रीन में जो हो रहा है ये आपको लगेगा कि एकदम रियलिटी में हो रहा है। और इसका प्राइस है सिर्फ 15 रुपीज़ है, वो टिकट इसका मिलता है 15 रुपीज़ में। और अभी हम लोग जाएंगे गाइस भूल भुलैया के अंदर में, तो काफ़ी मज़ा आने वाला है गाइस। तो वीडियो में तो गाइस अभी हम लोग डार्क वर्ल्ड के अंदर में आ गए हैं और ये अपना भारत इंडिया का ये जो है लोगो है। अब इसको सॉल्व करना है, तो गाइस इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं होता है या नहीं होता है। तो मेरे ख्याल से इसको इधर लेके जाएंगे और इसको यहाँ पे सेट कर देंगे, तो ये प्रॉपरली हो गया गाइस। तो गाइस देख सकते हैं अंदर में जाने से कुछ है क्या? हा? अंदर में तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा, वो गैलेक्सी वगैरह का नेम है यहाँ पर। मिल्की वे, सब ये सब गैलेक्सी वगैरह है। तो गाइस देख सकते हैं पहले के ज़माना में ईंट पत्थर को कैसे उठाया जाता था, लकड़ी के सहारे उठाया जाता था, जब कोई टेक्नोलॉजी नहीं था तो कैसे काम होता था। और ये देख सकते हैं ये खेत है, पहले के ज़माने में पत्थर वाला खेत होता था, तो कैसे उसको जोता जाता था, कैसे उसको मतलब यूज़ किया जाता था, तो इस फोटो में ये बताया गया है। तो गाइस ये इजिप्टी दुनिया है, ये इजिप्ट का दुनिया में अभी हम लोग हैं। तो गाइस देख सकते हैं पत्थर को कैसे यहाँ से खींच के लाया जाता था और उसको तराशा जाता था, तराशने का बाद हर शेप दिया जाता था, पाँव का, हाथ का। तो ये महाराजा जो है इनको मतलब बनाया जाता था, ये उस टाइम का महाराजा है। और ये जो देख सकते हैं ये जो इसको भी इसी तरीके से बनाया जाता है, इसको तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे बटन प्रेस करने से ये रनिंग होता है, मतलब यहाँ पे बटन प्रेस करने से ये चालू होता है। और यहाँ से जो वाटर आ रहा है, पानी आ रहा है, यहाँ पे खेत में जा रहा है, पूरा खेत में सप्लाई हो रहा है। तो ये इस वीडियो में, ये इस फोटो में ये बताया गया है कि कैसे किसान लोग मतलब ज़मीन के अंदर से पानी ला के और कैसे खेत में पूरा फैलाते हैं। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे मतलब ये जो दिखाया जा रहा है ये सब गांव का दिखाया जा रहा है कि गांव में किस तरीके से आदमी रहता है। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे एक घर है और यहाँ पे देख सकते हैं ये जो गोरू है, गोरू पालने का अलग जगह बनाया गया है और गोरू को खाना देने वाला अलग जगह है। और यहाँ पे एक आंटी खाना बना रही है, तो थोड़ा जूम करके देखते हैं क्या है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे आंटी भिंडी बना रही है, टिंडी भिंडी बना रही है। और इनको डिस्टर्ब नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं गाइस। तो गाइस यहाँ पे कार के बारे में बताया जा रहा है कि एक कार के अंदर में मतलब क्या क्या चीज़ होता है, क्या कैसा फंक्शन होता है। तो ये सब इंजीनियर लोग के लिए ये सब है, अपने लिए नहीं है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। और ये मतलब गाड़ी के अंदर में क्या है, कौन सा फ्यूचर है, यही सब बताया गया है और इसके सिवाय कुछ भी नहीं है। तो गाइस आज के वीडियो में हमने काफ़ी अच्छा मज़ा किया, बहुत सारा जगह हम लोग घूमे। अब बहुत कुछ तो हम कैप्चर नहीं कर पाए क्योंकि मेरे को खुद समझ में नहीं आया था। तो गाइस आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।